देवन का इतिहास ये है, एक जमींदार था, लकड़कट्टा लकड़हारा था और बहुत ही गरीब तबका का आदमी था, और वो बेचारा जंगल से लकड़ी लाता था और उसको बेचता था, जब अपने पोषण पालन करता था, अपने गुजारा करता था, बहुत गरीब घर का था। तो बादशाह सलामत घोड़े पे सवार था और किसी दिन रास्ते में उसको लकड़हारा मिल जाता है और लकड़हारा से कहता है कि लकड़हारा बताओ कैसी गुजर रही है। लकड़हारा कहता है कि बादशाह अच्छी गुजर रही है, कुछ तेरी सी कुछ तो सुबह अच्छी। बादशाह अपने दिल में सोच करता है कि यार ये लकड़हारा, इसके टेंट पे लकड़ी और मैं घोड़े पे सवार, और फिर भी ये नू कह रहा है कुछ तेरी सी कुछ तो सुबह अच्छी, ये क्या है। तो उस दिन तो बादशाह उसकी बात को सुन लिया, और कुछ दिन बाद में फिर बादशाह मिल जाता है रास्ते में, फिर कहता है कि सुना भाई लकड़हारा कैसी गुजर रही है। नुके बादशाह कुछ तेरी सी कुछ तो सुबह अच्छी। बादशाह ने कहा कि यार तू सुबह आम खास में आना, तुझे मैं समझाऊंगा। बादशाह को ये बात बहुत गुस्सा आया और बादशाह ने बहुत सीरियसली होकर कहा कि भाई सुबह तुझे आम खास में आना है। तो लकड़हारा बेचारा बजाय लकड़ी काटने के और सीधा आम खास गया, और बादशाह कहने लगा भाई तू मुझे ये बता कि भाई तू कहता है मैं तेरा हाल चाल पूछता हूँ, तू कहता है कि बादशाह कुछ तेरी सी कुछ तो सुबह अच्छी है, क्या माजरा है। लकड़हारा कहता है कि बादशाह ये बता, जा कुआ का पानी तू पीवे वाई का मैं पीऊं, जानाज की रोटी तू खा वाई की मैं खाऊं, जा बस्ती में तू रहे वाई में मैं रहूं, ये तो गुजर रही है तेरी सी और मोसो अच्छी नुकतोसो अच्छी गुजर रही है, यूक में लकड़ी काट के लाऊं, मैं इतनी लकड़ी ले आऊं जासू मेरो गुजारो हो जाए, अपनी नींद सोहूं और अपनी नींद खड़ो हूं, कोई जगाने वाला नहीं, और मेरी जो बीबी है वो मेरी इतनी खिजमत करती है कि पूरी रात मेरा पैर दबाती है, और तुम्हारी जो घरवाली है तेरे करीब नहीं आ सकती, और तो पे अगर कोई दुश्मन चढ़ाई कर दे तुझे रातों भी नींद नहीं आ सकती, ये गुजर रही तो सुबह अच्छी। तो बादशाह ने ये फैसला किया कि भाई लकड़हारा जो तूने मिसाल दी थी वो मेरी समझ में बैठ गई कि वाकया में तेरी मोसू अच्छी कट रही है, कि मैं बादशाह होते हुए भी अच्छी नींद नहीं सो सकता, काई का न्याय है काई का फैसला है, मैं वो नहीं कर सकता जो आप कर रहे हैं। तो कुछ दिन के बाद में एक अचानक बादशाह के दरबार में एक रंडी आती है और वो नाटक दिखाती है। तो उसने नाटक किया, 3 दिन 3 रात तक नाटक किया और अच्छा नाटक किया, और सारे पब्लिक वाले जो बस्ती के लोग थे उसको नाटक देखने के लिए सभी गए, और सबको नाटक पसंद आया। जब सबको पसंद आया और सबने ही उस नाटक को देखा, तो 3 दिन गुजर जाने के बाद में उस रंडी ने अपना नाटक नाच कूद बंद कर दिया, और बादशाह कहने लगा कि मांगो क्या मांगती हो, इनाम में क्या चाहती हो। अब वो रंडी कहती है कि बादशाह सलामत हम रंडी तो हैं, पेशावर हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं मांगते जैसे आप कह रहे हैं, हम जब ही मांगते हैं जब आप कुछ वचन भरिए। बादशाह कहता है कि भाई मैं इनाम देने के लिए तेरी तैयार हूं, मैं खुश होकर के तुझे इनाम दे रहा हूं, तुझे इनाम से मतलब है, वचन से क्या मतलब है। तो वजीर ने उस रंडी के थोड़े से पैर और लगा दिए और उस रंडी को उसने भड़का दिया, और रंडी इस बात पे मजबूत हो गई कि बादशाह पूरी दुनिया सुन रही है, पूरा मजमा सुन रहा है कि आप वचन भरिए, मैं जब मांगूंगी। तो बादशाह असमंजस में पड़ गया, कुछ कह नहीं सकता। बादशाह ने अपने दिल में सोचा कि भाई या तो ये मैं मान ले 1000 रुपया दूं या 2000 मांगेगी, या कोई पहरनी ओढ़नी चीज मांगेगी, इसकी औकात ही क्या है। तो बादशाह वचन भर लेता है पूरी पब्लिक के सामने, और वचन भर के अब रंडी कहती है कि बादशाह ना मुझे सोना चाहिए, ना चांदी चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना हीरा जवाहरात चाहिए, जिस गद्दी पे आप बैठे हैं मुझे इस पे टट्टी करनी है। अब बादशाह के सामने जब ये माजरा पेश आया और वचन भी बादशाह भर चुके थे, तो बादशाह ने मजबूर हो गए, अब क्या करे।
पूरी बस्ती और पूरे मंत्री पूरे बादशाह के बैठने वाले तमाशे देख रहे हैं, किसी का मुंह से कुछ नहीं निकल रहा है। काफी देर गुजर जाने के बाद में रंडी कहते हैं, बादशाह इजाजत दीजिए, मुझे आपकी गद्दी पे टट्टी करनी है, आपके सिंहासन पे करनी है। बादशाह कह रहा है कि भाई अगर तू वचन नहीं भरता तो मैं सब कुछ कर लेता, मगर वचन में बंधा हुआ हूं, मैं कुछ नहीं कह सकता। बादशाह ने दिल में फैसला किया कि भाई ऐसा है, अगर तू इस गद्दी का बैठने वाला है और तेरे सामने अगर यू इस पे टट्टी करे बहुत बुरी बात है। तो बादशाह एक गली से निकला और चुप देर भीड़ में निकल के नीर जंगल की तरफ चल दिया। तो क्यों ना रास्ता में वही लकड़हारा मिल जाता है बादशाह को, जिसका नाम मेव था। मेवन का इतिहास आपने सुना होगा, काफी गहरा है, कि अंग्रेजों को जमाने भी मेवन से तुरंत बुद्धि कौम कहलाई थी। तो बादशाह भागते हुए देखा लकड़हारा, कहने लगा बादशाह ठहरिए ठहरिए, क्या बात है, कैसे भाग रहे आज, कहाँ गया घोड़ा, पैदल चल रहे हैं, क्या बात है, और दौड़ लगा के। बादशाह परेशान था, उसने कुछ नहीं सुनी। बादशाह कह रहा मुझे जानी दो। लकड़हारा ने भाग के बादशाह का रास्ता घेर लिया और कहा बादशाह बताओ क्या बात है। बादशाह कह रहा कि मैं परेशानी कैसे बताऊं, ऐसे ऐसे पढ़े लिखे मंत्री और वजीर साहब बैठे हूं कि जो कुछ समाधान नहीं कर सकते, तू क्या करेगा लकड़हारा। वन की बादशाह बात बताइए, नहीं मैं और तू है, कोई नहीं है जंगल में, और कंधा पे जेड़ा है, हाथ में कुराड़ी है, सिवाय और मेरे तेरे कोई नहीं है, या तो बात बता दे बात क्या है। वजीर ने बादशाह ने पूरा वाक्य सुनाया और कहा कि भाई मैंने ऐसे दरबार में भाई कलाकार लोग आ गए, उन्हें नाटक किया और नाटक करने के बाद में जब उन्होंने अपना नाटक खत्म करके उसने वचन भरवा लिए और एक रंडी आबाद पे तुड़ी पड़ी है कि जी बादशाह आपकी सिंहासन पे टट्टी करनी है, वचन में मैं वचन में पक्का हो गया, मैं कुछ कह नहीं सकता। तो और जो लोग बैठे हैं वे भी कुछ नहीं कह रहे, वो भी सारे तमाशे देखें, कद बादशाह इजाजत देवे और कदी रंडी यहाँ पे टट्टी करे। तो अब तू बताई लकड़हारा तू क्या कर लेगा। वान की बादशाह सलामत वापिस चल, मैं चलता हूं तेरे साथ में। अब बादशाह की वह लकड़हारे के साथ चलने को हिम्मत ना पड़े। बादशाह सोचे कि ऐसे ऐसे पढ़े लिखे आदमी हूं जब खड़े हैं तो यू लकड़हारा क्या करेगा, अनपढ़ आदमी और भी एक लकड़हारा जो किसी के पास उठता नहीं बैठता नहीं किसी बात का ज्ञान नहीं, ये क्या कर लेगा। तो लकड़हारे ने बादशाह को हाथ पकड़ लियो कसकेनी और खेची ला रहा है, चल मैं चलता हूं मैं देखूंगा कैसे टट्टी करेगी। तो बादशाह की हिम्मत ना पड़े, लेकिन मेव का जीड़ा सुबह डरे बादशाह छोड़े भी ना, तो बादशाह जबरदस्ती ले आयो, जबरदस्ती ले आयो। जब कही नुक बता बादशाह कहा बात है, नुक भाई रंडी इजाजत के लिए खड़ी है और ये अब टट्टी करेगी। नुक अब बादशाह तू चुप रहा, मैंने जानी और या ने जानी। वाह ने कही के रंडी एक बात बता, थोड़ी देर के लिए मुबादशाह मान ले, 5 मिनट के लिए मुबादशाह मान ले, मैं ही तुझे इजाजत दूंगा बादशाह की तरफ से। बादशाह नहीं है अभी, अब ये बादशाह नहीं है, बादशाह मैं हूं, मोस मांग क्या मांगती है। वन की अगर आप बादशाह हैं तो आप इजाजत दे दीजिए, मुझे टट्टी करनी है। तो जमींदार ने कुराड़ी नीचे पटकी, जेवड़ा जो है हाथ में जासू लकड़ी बांध के लाओ नीचे पटक दियो, और थुतकार के मुट्ठी बाह चढ़ा के जो जमींदारन की पोजीशन है पहले सुई लंगो चढ़ा ली और झट गद्दी के पे खड़े हो गो। तो जेड़ा देखा है आपने, धोख का जेड़ा होता है, वहां चौंच रहे मैं ऊपर लू। जब कह रहो जमींदार नु बादशाह रंडी बात सुन ले, चल कर टट्टी, मैं इजाजत दे रहा हूं तुम्हें, अगर साली पेशाब की एक छेंट भी निकल गई ना दारी के साग चढ़ाऊंगा भी, अगर पेशाब की एक छेंट भी निकल गई टट्टी की कही था ना, पेशाब की ना कही, अगर पेशाब की छेंट निकल गई ना एक भी गद्दी पे दारी के जेड़ा चढ़ाऊंगा ही दाग में, कर कर टट्टी जल्दी। अब जी रंडी तो परेशान होगी कि भाई जब तू टट्टी करेगी तो पेशाब भी निकलेगा और मियो माने है ना, वो तो पहले खड़ा होगा उन। तो वापिस वरंडी ने हाथ जोड़े माफी मांगी और अपनी इनाम छोड़ के अपनी जान बचा के चली गई। मेवन का इतिहास है, ठीक है, हाँ।